जी वेलकम टू बीएचआईसी 131 क्लासेस है, आपकी हिस्ट्री की क्लास है। सोर्स ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर्स के बारे में हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ चुके हैं, और इसमें लिटरेसी सोर्स जो है हमने उसमें पढ़ा था कि जो हम हिस्ट्री लिखते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं वो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दो सोर्स होते हैं। एक सोर्स यानी कि जो हमारी चीजें जो हमें मिलते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल जब हम इन्विजिस जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं जमीन के अंदर से, जो भी चीजें हमें मिलती हैं म्यूजियम के थ्रू या किसी के थ्रू भी मिलती हैं, वो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, जो भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं अभी तक, जैसे आप जितने भी आपने किसी भी एज में चले जाइए, हर एज के अंदर कोई ना कोई राइटर या कोई ना कोई चीज रिटर्न में आपको मिलेगी, या उस टाइम भी जो लिटरेचर लिखने वाले होते थे, अगर हम मुगल और ब्रिटिश के टाइम की बात करें तो यहाँ तो प्रॉपर हिस्टोरिकन है, हिस्टोरियन है जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है, तो हम उनकी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। जैसे अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूं नामा, इन चीजों को लिखा है किसी ने, हम उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उससे पहले भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक या और पुरानी टाइम के समय की बात करेंगे तो उस समय भी पूरा कई सारे हिस्टोरियन होते थे। जब भी हम जैसे भी चाइना के बारे में पढ़ेंगे, जो ट्रेवलर होते थे, ट्रेवलर भी अपनी किताब वगैरह लिखते थे तो हम उनको पढ़ते हैं, तो ये सेकेंडरी सोर्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी थी। और लिटरेरी सोर्स में हम अगर हम एंशियंट हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री, ऑब्वियसली एंशियंट हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया, बहुत पहले के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हमारे क्या काम आते हैं, वैदिक लिटरेचर काम आते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र काम आता है, एपिक्स पुराना या संगम लिटरेचर काम आते हैं, बायोग्राफी या किसी की बायोग्राफी है कोई, पोएट्री या धर्म के आधार या बुद्धिस्ट और जैन के लिटरेचर है, ये हमें बहुत पुराने मिल जाते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, कॉइन्स। ये जो कॉइन्स होते हैं, ये हर राजा अपने टाइम पे कॉइन्स वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, सॉरी इशू करते थे, जैसे करेंसी इशू करना होता है ना, तो वैसे कॉइन्स इशू करते थे, और हर अपने जो होते थे किंगडम में अपना कोई ना कोई छाप या कोई ना कोई मैसेज या कुछ ऐसा कॉइन्स में इंस्क्रिप्शन करवाते थे। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी भी चीज पे इंस्क्रिप्शन करवाना, चाहे वो लोहे पे, पत्थर पे, लकड़ी पे, किसी भी चीज पे इंस्क्रिप्शन करवाना अपने मैसेज। मोनूमेंट्स आप पता ही है कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसी चीज होते हैं जो आज हम मोनूमेंट्स की तरह यूज करते हैं उनको पुराने। ठीक है, फॉरनर्स अकाउंट्स यानी ट्रैवलर वगैरह होते थे, उनके अकाउंट्स यानी वो कुछ लिखते थे ना, आप डेली राइटिंग या कुछ ऐसे करते हो वो चीज, उसके बाद हम इसके समरी पढ़ेंगे। ये बीएचआईसी यूनिट 1 आपकी स्टार्ट होती है, या हमने इसमें से जो चीज पढ़ लिया है उसको हम स्किप करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल चीज हम कंटिन्यू कर चुके हैं, लिटरेचर सोर्स हम पढ़ रहे थे, ये कि लिटरेचर सोर्स में हमें क्या क्या हम हिस्ट्री के लिए क्या यूज करते हैं। वैदिक लिटरेचर भी है हमारे पास, बहुत सारे वैदिक संस्कृत के लिटरेचर हैं। ठीक है, जैसे महाभारत वगैरह ऐसे कुछ हैं जो हमारे पास लिटरेचर में मिलता है, लेकिन इसके पास हमारे पास प्राइमरी सोर्स भी मिलते हैं। जैसे हम इन्होंने बताया था कि हाथरस के आसपास जब हम एक्सट्रैक्शन हुआ तो वहां पे रथ के आकार का कुछ मिला है ना, बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो महाभारत के काल को ज्यादा पुराना नहीं, 4,000-5,000 साल पुराना बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे काल है जिसमें हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र और सभी का, इंद्रप्रस्थ, सभी चीज का हमें वो मिलता है। ठीक है, अर्थवेद संहिता, सामवेद संहिता, ये सारी चीज जो यजुर्वेद संहिता, ये चारों वेदों के बारे में लिखा गया है यहाँ पे, ये पढ़ लिया था हमने? नहीं सर, नहीं। अच्छा, वेदों के बारे में नहीं पढ़ा। तो वैदिक लिटरेचर चार वेद है। अब चार वेद किसने लिखे ये किसी को नहीं मालूम। रीजन क्या है कि पहले जो क्रेडिट लेने का रीजन इतना वो नहीं था, कल्चर नहीं था, जिसे बोलते कल्चर, तो क्रेडिट लेने का कल्चर नहीं था, इसको ऋषियों आदियों द्वारा लिखा जाता था, और जो ऋषि इनको लिखते थे वो अपना सबसे पहले तो गोपन करते थे, अपना नाम जा गोत्र आदि चीजों का हटाते थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जितने ऋषि आए उन्होंने सबने अपने अपने हिसाब से जो उनको मुख्य बातें अच्छी बातें लगी उसमें ऐड करते चले गए। चलिए आप यहाँ से इसको रीड करेंगे वैदिक लिटरेचर से, कशिश जी। ओके, द अर्लिएस्ट नोन लिटरेचर फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वैदिक लिटरेचर, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे जरूरी जो है वैदिक लिटरेचर है। द वर्ड वेदा इज डेराइव फ्रॉम संस्कृत रूट, जो वर्ड वेदा है वो संस्कृत से आया है, जिसका मतलब है वेद। वेद का मतलब होता है नो, किसी को जानना, और वेदा मतलब होता है नॉलेज, मतलब ज्ञान को जानना, मतलब नॉलेज जानना है। दे आर ओरल लिटरेचर फॉर एक्सीलेंस, ये ओरल लिटरेचर है। दे आर ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज श्रुति, और ये श्रुति से ट्रेडिशनली रिगार्डेड है। हेयर और रिवील्ड, ये जो है हम सुन सकते हैं, और ये रिवील्ड टेक्स्टिस है। वर्ड सेड टू हैव बीन अटर्ड बाय द गॉड ब्राह्मण इन द ईयर्स ऑफ फर्स्ट मैन, इसमें सबसे जो पहले मैन आए थे जिन्होंने लिखा था वो तो गॉड ब्रह्मा, ब्रह्मा ने ये सबसे पहले मैन थे। दे वर हैंडेड डाउन फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन विद एम्फेसिस ऑन एक्यूरेट मेमोराइजेशन, इन्होंने क्या किया था,
इन्होंने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मेमोराइज करना स्टार्ट किया था. वैदिक लिटरेचर इज इन अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल संस्कृत. वैदिक लिटरेचर जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है क्लासिकल संस्कृत से. इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड वैदिक संस्कृत. इसे हम वैदिक संस्कृत भी कह सकते हैं. इट वोकैबुलरी कंटेन अ अभी जैसे हमने अच्छा बताया इसमें ये श्रुति का है. श्रुति का अर्थ होता है सुन करके या बोल करके. रिटन में उतना नहीं होता था ये. और आपने एक और चीज बताई इसमें कि ब्रह्मा के द्वारा ऋषियों में ऋषि जो कहते हैं ना कि जो ऋषि में भी और जो सबसे ऊपर ऋषि होते हैं वो ब्रह्मा. उन्होंने इसको क्या किया था अटर्ड. अटर्ड मतलब होता है कि हाँ उन्होंने बोला और फिर उनको फिर बाकी ऋषियों ने उसको लिखा और सुना किसी ने. फर्स्ट मैन दे हैंडेड डाउन द जनरेशन नेक्स्ट The emphasis of the account memorizations. और इसको इस तरीके से डेवलप किया गया है ताकि इसको सुन करके लोग याद कर सकें और फिर आगे मेमोराइज करने का फिर आगे फिर जनरेशन टू जनरेशन जनरेशन इस तरीके से लिटरेचर आगे ट्रांसफर होती जाए. ठीक है तो ये इसमें था क्लासिकल संस्कृत में इसको लिखा गया है. इट कैन बी कॉल्ड वैदिक संस्कृत भी बोल सकते हैं और क्लासिक संस्कृत भी बोल सकते हैं. संस्कृत भी दो या तीन तरह की संस्कृत होती है आपको शायद मालूम होगा. वैदिक संस्कृत और क्लासिक तो है सेम हो गई. इसके बाद मॉडर्न संस्कृत होती है और एक और संस्कृत होती है. ठीक है आगे रीड करेंगे जी. बाइट्रेनिक मीनिंग हैज डिफरेंट ग्रामेटिकल यूजेजेस. इसमें ग्रामेटिकल जो है ग्रामर का काफी यूज किया गया है. इट हैज डिफिनेट मोड ऑफ प्रोनाउंसिएशन. ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन का मोड है वो डेफिनेट है. द एम्फेसिस चेंजेस द मीनिंग ऑफ एंटायरली. दिस इज द रीजन व्हाई एन एलैबोरेट टू protect or preserve the mode of pronunciation of the Veda. इसीलिए हमें ये elaborate इसको समझना मतलब इसीलिए है क्योंकि इसमें हम इसे protect करके रखते हैं और preserve करके रखते हैं इसकी pronunciation को. Veda was devised by the means of Ghana Jata and the type of Patas. We can not only determine the meaning of mantras. ये जो है Veda इसमें Ghana Jata और other type के Patas जो है इसके मतलब आते हैं और इसमें इसमें मंत्रा को डिटरमाइन नहीं किया गया है. मंत्रा के जो मन है क्या कहते हैं मतलब है उसको डिटरमाइन नहीं किया गया है. बट ऑल्सो कैन हियर द ओरिजिनल टोन. बट इसको इसकी जो ओरिजिनल टोन है उसे जरूर हियर किया गया है सुना गया है. विच वर संग थाउजेंड ईयर्स अगो जो कि हजारों साल पुरानी है. इट ऑल्सो इट इज ऑन एन अकाउंट दीज पठास नो That no interpolation, but जो इसकी जो पठास की जो interpolation है वो वेदा जो है possible नहीं कर पाई है on the emphasis of oral transmission के through. The Vedic literature consists of three classical literary work. अब Vedic literature जो है उसको तीन classes में जो है बांटा गया है. सबसे पहला होता है संहिता जो कि कलेक्शन है. दूसरा होता है हाइम्स और तीसरा होता है प्रेयर इंटेक्शंस बेनेडिक्शंस और सैक्रिफिशियल फॉर्मूला लिंटेनेटिव. और जो संहिता है उसको चार वेदों में डिवाइड किया गया है. ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अर्थवेद. तो ऋग्वेद में हम पढ़ते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऋग्वेद जो ऋग्वेद का जो कलेक्शन है इट इज द नॉलेज ऑफ सॉन्ग. इसमें सॉन्ग्स और प्रेयर्स के बारे में लिखा गया है. इसमें जो हिम्स है वो 1028 है जिसे हम सुक्त कहते हैं. कंस्टिट्यूटिंग 10 बुक्स. इसमें 10 बुकें हैं जिसे मंडल कहते हैं. इसमें दो से और जो सात बुक्स 2 और 7 ऑफ एन अर्लियर डेट एंड 1, 8, 9, 10 आर लेटर. और जो 2 से 7 तक की बुक है वो अर्लियर डेट की है और जो 1, 8, 9, और 10 है वो लेटर है. दे डील विद द वेराइटी ऑफ इशूज ये फॉर द टू द कस्टम. ये जो है हमारी जो कस्टम है उसकी उसकी उसके इश्यूज से रिलेटेड है. सोशल नॉर्म्स एंड फॉर्मेशन से रिलेटेड है. डिस्पाइट द रिचुअल कंटेंट ऑफ द ऋग्वेद हिस्टोरियन हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली द इसके जो हिस्टोरियंस है ऋग्वेद के उन्होंने सक्सेसफुली इस बिल्ड को थीम किया इस थीम को बिल्ड किया है. लाइक पेस्टोरल इकोनॉमी में पोजिशन ऑफ क्लेन चीफ जो कि राजा होते थे उनमें और विश के स्टेटस में मीनिंग ऑफ टर्म लाइक भागा बली एंड सोशल क्लास और सोशल क्लासेस में. सर ये पेस्टोरल इकोनॉमी क्या होता है. हेलो सर जी पेस्टोरल इकोनॉमी
इसको आगे रीड करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अथर्ववेद ये पढ़िए, मैं बताता हूँ। अथर्ववेद संहिता, अथर्ववेद संहिता में क्या होता है, इट्स अ रेंज ऑफ, इट कंपासेस अ रेंज ऑफ टॉपिक्स ओवर 20 बुक्स। इसमें 20 बुकें आती हैं, जिसमें हम पहले पढ़ा था ऋग्वेद में 10 आती है, इसमें 20 आती है। व्हिच द फर्स्ट 7 प्राइमरीली डील विद इनविटेशन, जो पहले की 7 बुक्स है उसमें हमें पोएम्स के बारे में मिलेगा और स्पेल्स के बारे में मिलेगा, इनविटेशन के बारे में मिलेगा। बी स्पोकन बाय द वन सीकिंग सम बेनिफिट और मोर ऑफन बाय द वन हुम हुड would pronounce them on their behalf of the for all sort of healing to cure various illness. में जो है हमें medicines के बारे में भी बताते हैं, जो अथर्ववेदा होते हैं, अथर्ववेदा में जो जड़ी बूटियां वगैरह होती थी ना, उसके बारे में भी बताया गया है कि आप उसको इंजरीज वगैरह पे कैसे लगा सकते हैं। और जो 13 से 18 बुक्स है उसमें वो जो है पैसेज के फॉर्म में लिखी गई है, राइट्स ऑफ पैसेज पैसेज के फॉर्म में लिखी गई है, लाइक दोस फॉर इंडिकेशंस इनटू लर्निंग उपन्यास, जिसमें उपन्यास के बारे में बताया गया है, जिसमें हम मैरिज और फ्यूनरल के बारे में बातें करते हैं, मैरिजेस जो होती थी पहले, उसमें रॉयल रिचुअल के बारे में बात होती है इसके, एंड ड्यूटीज द कोर्ट प्रीजेस्ट एंड इनकॉर्पोरेटेड, और जो कोर्ट होते हैं उनके उनको इनकॉर्पोरेट कैसे, उनकी जो ड्यूटीज होती है उनकी कैसे इनकॉर्पोरेट करके रखा जाता है वो। कंटेंट्स आर स्टडी टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, और जो इसके कंटेंट होते हैं वो हमारे को इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं सोशल और कल्चरल मोड पे वैदिक पीरियड के। अ सिग्निफिकेंट सेक्शन और टॉक अबाउट हर्ब्स, इसमें हर्ब्स के बारे में जो मैंने बताया था जड़ी बूटियां वगैरह होती हैं ना, उन सब चीजों के बारे में बताया जाता है, मेडिसिन के बारे में बताया जाता है जी। और इसमें ये था आपका ऋग्वेद में जो आपने पढ़ता है ना, पेस्टोरल इकोनॉमी का मतलब है कि देहाती इकोनॉमी, जो मैंने अभी देखा गूगल पर, इसका ये मतलब हुआ। कुछ ऐसे ऋग्वेद में इकोनॉमी से संबंधित, अर्थवेद, वैसे तो अर्थवेद में आना चाहिए था इकोनॉमी, ठीक है, तो इससे संबंधित चीजों को बताया गया। दूसरा यहाँ पे बुक्स में ऐसा लिखा गया, देखो अरेंज कैसे किया गया, कॉन्स्टिट्यूटिंग 10 बुक्स, और कुछ की डेट जो है पहले डेट, कुछ बताया गया कि लेटर डेट है, कुछ अर्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बुक्स बाद में ऐड हुई हैं, कुछ पहले ऐड हुई हैं, तो शायद उसकी लैंग्वेज या कुछ और चीज से उसको साइज किया गया है, ठीक है। आर लेटर समझ में आया, अर्लियर डेट और कुछ बाकी बात की डेट की है, ठीक है। सामवेद संहिता पढ़ेंगे। द कलेक्शन ऑफ सामवेद इज द नॉलेज ऑफ द सॉन्ग्स और मेलोडीज, ये भी जो है हमने जैसा ऋग्वेद में पढ़ा था वो सॉन्ग्स और प्रेज के बारे में, ऐसी ये सॉन्ग्स और मेलोडीज के बारे में है, जो कि जिसे हम समन कहते हैं। द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रूट्स इन सामवेद सोनिक म्यूजिकल डायमेंशन इन द जनरल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द थ्योरी चैंट्स इन पर्टिकुलर, इसमें हम म्यूजिकल के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और म्यूजिक की जो भी चीजें होती है उनके बारे में, चैंट्स वगैरह जो कि चैंट्स की जो थ्योरी वगैरह होती है, उन सब चीजों के पर्टिकुलर बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू द म्यूजिकल वर्जन ऑफ द ऋग्वेद, अभी मैंने बताया था जैसे कि ये ऋग्वेद से मिलता जुलता वर्जन है, तो हाँ ये म्यूजिकल वर्जन उससे मिलता जुलता है, बिकॉज बेरिंग द म्यूजिकल क्रिएटिविटी एंड मेलोडीज नोवेलिटी रिफ्लेक्टेड इन 75 वर्सेस, द रेस्ट हैव बीन बोरो बाय द फ्रॉम द ऋग्वेद, इसको जो है ऋग्वेदा से बोरो किया गया है। इट ऑल्सो मेंशन इंस्ट्रूमेंट लाइक वीना, इसमें वीना जो होती है, जो ल्यूट होती है, जो बांसुरी होती है ना ल्यूट, हाँ उसके बारे में उसको मेंशन किया गया है। द रूल्स एंड सजेशन फॉर प्लेइंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट आर इन अ सेपरेट कंप्लीटेशन नोइंग एंड द गंधर्व वेद, इसमें गंधर्व वेदा के बारे में बताया गया है, विच इज एन उपवेदा, जिसे उपवेदा भी कहा गया है, अ सप्लीमेंट और अपेंडिक्स टू द सामवेदा, ये सप्लीमेंट होता है सामवेद जो होता है, सप्लीमेंट होता है। यजुर्वेद के बारे में पढ़ना है, यजुर्वेद संहिता, द कलेक्शन ऑफ यजुर्वेद संहिता इज द नॉलेज ऑफ द सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज यजुस फॉर वर्शिप रिचुअल्स लाइक अग्नि, हाँ इसमें हम पढ़ेंगे कि जो जो सैक्रिफिशियल फॉर्मूला होते थे यजुस, मतलब वर्शिप जो हम करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं हम, उसके बारे में, जैसे अग्निहोत्र है
वेलकमिंग द थ्री प्राइमरी सीजन्स. इसको जो नहीं होता है इसमें इसमें हम तीन सीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि स्प्रिंग, मॉनसून और ऑटम. मतलब पतझड़ का और मॉनसून मतलब बरसात का मौसम, और ऑटम ऑटम किसे कहते थे ध्यान नहीं है. ऑटम क्या होता है सर, ठंड का नहीं, वसंत ऋतु होते है ना. हाँ वसंत ऋतु. By offer butter and milk to fire, और इसमें हम बटर और मिल्क के फायर के बारे में पढ़ते हैं. वाजपेय और ऑफर मतलब होता है कि बटर मिल्क टू फायर को ऑफर करते हैं, ऑफरिंग जिसे उसमें हम करते हैं ना, लोहरी मकर संक्रांति तो में आग जला जी. वाजपेय और राजस्य, इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑन अ इसका मतलब होता है ऑन अ विक्ट्री ऑन अ सर पर ऑन अ विक्ट्री ऑफ किंग एंड हिज कोरोनेशन रिस्पेक्टिवली बाय ऑफरिंग बटर और बटर एंड सूरा. इसमें हम बटर और सूरा को ऑफर करते हैं जो हमारे किंग होते हैं उन लोगों को. एंड अल्कोहलिक ड्रिंक, इसे हम कह सकते हैं कि एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, मतलब शराब की तरह होती होगी ये कुछ. टू फायर और उसके उसके बाद आता है अग्निचनाया. अग्निचनाया में अटरिंग इंटेंशंस फॉर बिल्डिंग अल्टर्स एंड हर्थ्स लार्जेस्ट इन द शेप ऑफ आउटस्प्रेड ईगल फैल्कन्स. इसमें हम जो होते हैं बर्ड्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं मे बी, यानी बिल्डिंग्स जो बनाई गई हैं अल्टर की गई हैं वो, और आउट जो लार्जेस्ट स्पेस जो है शेप जो है आउटस्प्रेड की गई है ईगल और फैल्कन. या फैल्कन भी मे बी बर्ड होता है, मे बी हाँ ये भी बर्ड ही होता है जहाँ तक याद है. डेडिकेटेड, इसमें हमने गॉड के जो फायर के जो गॉड है यानी कि जो अग्नि है उसको डेडिकेट किया है इसे हमने. एंड सो ऑन, इट यील्ड्स क्रूशियल इंफॉर्मेशन. इसमें हमने क्रूशियल इंफॉर्मेशन दी है एग्रीकल्चर को, इकोनॉमिक को और सोशल लाइफ को हमारी. और इंटेंस अ सिग्निफिकेंट वर्ड्स इन द शुक्ल यजुर्वेदा. इसमें हमने शुक्ल यजुर्वेदा के जो लिस्ट है, लिस्ट द क्रॉप्स डीम्ड इम्पोर्टेंट इन दी दोस टाइम. इसमें जैसे कि अभी बताया था एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है हमने, तो इसमें कौन कौन से एग्रीकल्चर आते हैं, क्रॉप्स की फील्ड आती है जैसे कि वाइट वो सॉरी वीट मतलब गेहूं, राइस, बार्ले, सी सेम, मिलेट्स, सॉर्गम, किडनी बीन्स, इन सबकी जो फसलें हैं ये इसमें इसमें हमने पढ़ा है. It is the largest collection of primary seasons. इसमें जो है अब उपनिषद का ये largest collection है. जी, continue. जैसे अभी हमने इसमें देखा कि जो यजुर्वेद के जो वर्ष थे, जो उसके वर्ष मतलब होता है श्लोक वर्ष थे, लिस्ट क्रॉप्स क्या क्या इसको इंक्लूड करते हैं, ये लोग क्रॉप्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है. इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ दोज टाइम सच एज वीट, राइस, बार्ले, सीसम, सीसम का पेड़ होता है, मिलेट्स होते हैं, सिसोरगुमा, ठीक है, किडनी बीन्स होती है, एक्सेट्रा, इन सब के बारे में इसमें लिखा गया है. लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ प्राइमरी उपनिषद. और जितने भी हम उपनिषद पढ़ते हैं, चाहे वो ब्रह्म, कितने उपनिषद होते हैं आपको पता है, टोटल कितने उपनिषद है, कोई स्टूडेंट बताए? यस, आठ उपनिषद है जी. अभय वत्स जी ने किसने बताया था ये आठ उपनिषद होते हैं, ठीक है. कुछ उपनिषद अगर हम पहले के बारे में बात करें, कुछ आधुनिक आधुनिक कह रहा हूँ सॉरी बाद में भी लिखे गए हैं, ठीक है, जैसे शंकराचार्य जी ने लिखा है कुछ, ठीक है. और इस तरीके से उपनिषद हैं, उपनिषद अच्छा कथा कठोपनिषद, अच्छा ये कथा उपनिषद है, ठीक है, ईशा उपनिषद है, द मैत्री उपनिषद है, और ये कौन से तैत्रीय उपनिषद है, एंड द
Shishtavak Upanishad, out of which the various school of Hindus philosophy have merged and developed. For example, the Brihannayakta Upanishad contains the earliest extensive discussion on the Hindu concept of dharma, karma and moksha. क्योंकि उपनिषद कई हजार साल पहले से लिखे जा रहे हैं और continuously लिखे गए हैं. जैसे अभी इन्होंने 8 उपनिषद बताया, इसके अलावा भी जैसे उसका नचिकेता का जिसमें जिक्र होता है कठोपनिषद में नचिकेता, तो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए हैं और बाद में जो ऋषि हुए हैं उन्होंने बाद में कुछ उपनिषद लिखे गए हैं. ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि हिंदू फिलोसफी ऑफ स्कूल में जिसे मोक्ष धर्म और कर्म के बारे में बताया गया है कि धर्म और कर्म हम अच्छे करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, ऐसा ही कुछ है. तो उसको बारे में लिटरेचर मीन द लिबरेशन फ्रॉम विक्सिशियस साइकिल ऑफ लाइफ, और ये बहुत साइकिल के बारे में जो पजल्स है लोगों को जो है ना उसके बारे में सॉल्यूशन देते हैं लाइफ एंड डेथ. बट इट आल्सो टेकन अ सिग्निफाई एमेंसिपेशन फ्रॉम सोरो, सोरो से किस प्रकार से छुटकारा मिलना, फ्रीडम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, या फ्रीडम मिलना या फिर सेल्फ रियलाइजेशन करने के बारे में, अध्यात्म बेसिकली अध्यात्म के बारे में ज्यादा ध्यान करवाना, सेल्फ रियलाइज करवाना, फ्रीडम या फिर सोरो होता है ना उनसे चिंता और दुख से मुक्ति. सिक्स वेदांत के बारे में बताया गया है. ठीक है, लैम्स ऑफ वेदास वर इवॉल्व फॉर अ पेपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास, दीज आर सिक्स. पहला क्या है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, उसके बाद क्या है, चंदा और ज्योतिष. इस तरीके की छह वेदांगस के बारे में बात की गई है, वेदास के बारे में बात की गई है. यानी वेदा का मतलब क्या था, नॉलेज. ठीक है, हमने स्टडी अभी स्टडी में अभी कशी जी ने बताया कि वेदा का मतलब है नॉलेज. तो कुछ नॉलेज के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास, तो कौन कौन सी ऐसी बता सकते हैं आप. पहला क्या है, शिक्षा. ठीक है, फिर कल्प, शिक्षा, कल्प, रिचुअल्स के बारे में जानना. कल्प मतलब क्या होता है, रिचुअल्स, कि क्या क्या हम करते हैं, ग्रामर, व्याकरण के बारे में, अब नियुक्त बारे, ये सब चीजें उसको आगे स्टडी करते हैं. ठीक है, एवरी वेदांगा इसके बारे में पढ़ेंगे आगे. यहाँ से कौन जी, साहिस्ता जी आप रीड करेंगे. तरुण अभय बस Each Vedanga has developed a credible literature around it, which is in sutra form. That is percepts के बारे में बताया गया है. This is the very precise, बहुत जो Vedas हमने आपने देखे हैं इसमें, तो आपने देखे हैं सारे verse में explain करा हुआ है, यानी मंत्रों में, और बहुत ज्यादा precise तरीके से बताया गया है. Precise का मतलब होता है बहुत कम शब्दों में ज्यादा बातें जिसमें बोलते हैं, precise. And the exact form of expression, और कोशिश की गई है कि बिल्कुल exact वही expression वो लिखी गई हो. Prose which was developed by the ancient Indian, जो इंडियन के पाणिनि के बारे में सुना है आपने, किसी ने पाणिनि के बारे में जी आप ऐसे सुना है पाणिनि के बारे में. संस्कृत की रचना किन्होंने करी थी, संस्कृत जो भाषा जो हम बोलते हैं उसके जो लिखित जो डेवलप हुआ था वो पाणिनि एक ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने इसको लिटरेचर को किया. ठीक है, क्योंकि भाषा तो देखो आपको सभी को पता है कि कोई भी भाषा हो कोई कैसे भी हम उसको बोल सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं. अगर आपको हिंदी लिखना हो तो आपसे आप ये कौन सी रोमन लिटर, इसको क्या बोलते हैं, इसका हम रोमन लिपि बोलते हैं. तो रोमन में देवनागरी है ना, इस तरीके से अलग अलग गुरुमुखी अलग अलग लिपियां होती है, तो उसको संस्कृत में को उन्होंने पाणिनि जी ने किया था. अष्टाध्यायी अ बुक ऑन ग्रामर इन 8 चैप्टर, 8 चैप्टर में उन्होंने अष्टाध्यायी एक चैप्टर के बारे में लिखा. इट इज फाइनल culminations of this excellent art of writing in sutras, जो होते हैं ना ग्रामर लिटरेचर फॉर्मूले के साथ, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दिस दैट, तो सारी चीज जो है संस्कृत के से रिलेटेड पाणिनि जी ने 8 चैप्टर के अंदर इसको लिखा. बिसाइड द वेदास टेक्स्ट लाइक द ब्राह्मणास आर द आर्यनवक्स एंड उपनिषद आर द इंक्लूड इन द वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर में और ऑलमोस्ट एवरीथिंग इंक्लूड हुआ करते थे. ठीक है, नोन एज अ लेटर वैदिक लिटरेचर द ब्राह्मणास इलेबोरेट, तो ब्राह्मणास क्या करते थे, इनको इलेबोरेट करते थे वैदिक रिचुअल्स एंड अरण्यक्स एंड उपनिषद गिव डिस्कोर्स ऑन द डिफरेंट स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल प्रॉब्लम. इसका मतलब क्या हुआ, जो वैदिक वेदास के अंदर जो प्रिसाइजली लिखा होता था, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रिसाइज लिखा होता था, लेकिन जो ब्राह्मण क्या करते थे उसको एलोबरेट करते थे, जब उसकी रिक्वायरमेंट होती थी वैदिक लिटरेचर के बारे में. नोन एज द वैदिक लिटरेचर द ब्राह्मणस एलेबोरेट ऑन वैदिक रिचुअल्स, जो भी रिचुअल्स होते थे या उपनिषद जो भी होता था उसके बारे में
उसको एलेबोरेट करते थे, डिस्कोर्स द डिफरेंट स्पिरिचुअल एंड फिलोसोफर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम या जो भी सॉल्यूशन किसी का चाहिए होता है, ठीक है। ब्राह्मणास के बारे में रीड करेंगे। दीज आर द वर्ल्ड मीनिंग्स प्रोज टेक्स्ट व्हिच कंटेन्स द थियोलॉजिकल मैटर especially the observation and sacrifice and kya likha hai, sacrifice and the practical and mysterious significance of this sacrificial rites and ceremonies. Kya hua iska matlab, isme hum prose text jo hote hain, matlab jo ki hum puja paath karte hain, wo jo uske jo texts hote hain na, un cheezon ke bare mein padhte hain, matlab brahmanon ne acche se matlab hume bataya hai is cheez ke bare mein. और सैक्रिफाइस जो स्पेशली द ऑब्जर्वेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड द प्रैक्टिकल मिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जो भी हम सैक्रिफिशियल राइट्स जो हम लिखते हैं ना पैसेज के फॉर्म में वगैरह में, उसके बारे में अच्छे से बताया, सेरेमनीज के बारे में बताया, जो भी हमारे जैसे शादी ब्याह होते हैं, शादी वगैरह होती है तो हमारे यहाँ पे उसमें कुछ सेरेमनीज होती है ना, तो वो उन्हें ही डेवलप करिए कि ब्राह्मण लोगों ने ज्यादातर ब्राह्मण लोग लोगों ने नहीं, यहाँ पे ब्राह्मणस का मतलब है, इसके बारे में पूरी डिटेल में लिखी गई है। जैसे वेदास को कहा गया टॉप मोस्ट, जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो कुछ एक्ट बताता है, कुछ एक्ट उसमें लिखे गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक एक्ट की डिफरेंट बुक होती है। शायद जिन्होंने लॉ पढ़ा है, लॉ में क्या होता है, मेन जैसे अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ सात या कितने सेक्शन है कुछ है उसी में कवर है, उसके बाद फिर वो आगे सब सब डिवाइड होती चली जाती है। यानी कहते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये होगा तो जैसे आईपीसी लगेगी, आईपीसी के लिए फिर अलग डिफरेंट बुक है। तो ब्राह्मणास में वॉल्यूम से प्रोज टेक्स्ट होता है, इसके अंदर टेक्स्ट यानी विद कंटेंट द लॉजिकल मैटर, हर चीज के लिए एक लॉजिकल मैटर को उसमें एक्सप्लेन किया गया है, स्पेशली ऑब्जर्वेशन कौन कौन से ऑब्जर्वेशन जहाँ पे कहाँ सेक्रीफाइस करना होता है, यानी दान पुण्य कहाँ करना होता है, प्रैक्टिकल एंड मिस्टीरियस सिग्निफिकेंट, कुछ प्रैक्टिकल और मिस्टिकल मिस्टिकल सिग्निफिकेंट के बारे में, ये सब चीज के बारे में, ठीक है। आगे नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट टॉपिक सर मैं पढ़ूं? जी जी रीड करें। अरण्यक एंड उपनिषद। The Aranyak represent the etymologies, identification, discussion, description, and interpretation associated with the ritual sacrifice of the Vedas, so they can be probably performed. For example, the Atharva Aranyak contains specific statement on how one who follow the Vedic prescription and perform the sacrifices correctly goes to the abode of gods, while the one of the one who violates them is born into the lower worlds of existence as reptiles, insects, etc. The first chapter of the Taittiriya Aranyak is famously called the Surya Namaskar, which was later elaborated the Yoga Sutra. Additionally, the Aranyak also offer an insight into the deep philosopher of life. The word Aranyak, Aranya means forest or wildlands. It is believed and held by some that they were meant to be studied in a forest life. Forest in the Vanaprastha retired to forest and forest dwelling stage of life, hence the name Aranya. The Upanishad. The term Upanishad is formed by the joining and combination of roots. Upa means by and Nishad means sit down. It denotes with sitting down near, implying a pupil sitting near the precipitator, receiving the pearls of spiritual wisdom. Other connotations include historic doctrine, sacred doctrine, mystic meaning, hidden connection, etc. Monier William in his Sanskrit dictionary defined it as setting to rest ignorance by revealing the knowledge of the Supreme Spirit. The Upanishad comprises some of the key philosophical aphorisms of Hinduism, such as Brahman, highest entity or ultimate reality, and the Atman, soul or self, some of which are mentioned also.
स्क्रीन mentioned also in the parallel heterodox religious tradition like Buddhism and Jainism. They play a momentous part in the evolution of spiritual ideas in ancient India, embodying a signifying a transition from the Vedic ritualism to new convictions on abstract philosophy and spirituality. They are known as Vedanta. The last part of this chapters of the Veda and also stand for the highest purpose of the Veda with their translation in the early 19th century. They also began attracting the attention and the impression of the Western audience, fascinated by the philosophical tenets Arthur Schopenhauer called Upanishad Theosophy the production of the highest human wisdom. Done.